अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैनवा में कौन से वो न्यू फीचर्स हैं जिनको आप नहीं जानते अभी तक, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि कैनवा जो है उसके अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं, उनको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर एक आधी बात रह गई तो फिर आपको समझ नहीं आनी। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स अब हम आ गए हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज हम देखेंगे कि कैनवा के जो न्यू फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ पे मैंने जो कैनवा की वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्री कैनवा को ओपन किया है। तो आपने क्या करना है, इसकी जो सबसे पहला इसका जो न्यू फीचर है वो है एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन कम्बिनेशन। तो ये एनिमेशन कम्बिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया यहाँ से कोई पोस्ट ले लेते हैं। मैं करती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे इंस्टाग्राम जो एनिमेटेड पोस्ट है वो ओपन हो चुकी हैं। तो ये सबसे पहला फीचर है, यहाँ से हम कोई भी पोस्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा एनिमेट, ये इसका न्यू फीचर है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज एनिमेशंस दी हुई हैं। ये देखिए इस तरह ये शो हो रही है, जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये इस तरह यहाँ पे आ जाएंगी। ये दिखा रही है कि अगर हम इस पे मतलब इसको लगा लेंगे तो ये हमारा एनिमेट करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्बिनेशंस हैं, बेसिक है, स्केल है और भी बहुत सारी यहाँ पे एनिमेशंस हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर, इन्हेंस्ड शेप्स एंड कनेक्टिंग लाइंस, यानी कि हम जो शेप्स हैं उनको इन्हेंस किस तरह कर सकते हैं और इनकी जो लाइंस हैं उनको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ये न्यू फीचर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक पेज ले लेना है, ब्लैंक पेज ले लेना है। आपने क्या करना है, एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस एंड शेप्स, तो आपने क्या करना है, सी ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने शेप्स उठा लेनी है। तो मैं यहाँ से पहली ये तीन शेप्स जो हैं वो उठा लेती हूँ। ठीक है, पहले हम इनको अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक अलाइन नहीं होंगी तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका सेकेंड फीचर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इन्हेंस्ड शेप्स। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं शेप का बटन यहाँ पे शो हो गया। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी शेप्स हैं जिनको, यानी कि जो हमारी शेप है उनको हम किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने प्यारे इसके ये डिज़ाइन आ गए हैं। तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह के शेप का वहाँ पे स्टाइल था उसी तरह हमने अपनी जो शेप है उसको इन्हेंस कर लिया। तो अब आप यहाँ पे ये लाइंस देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हम है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम कोई भी कलर यहाँ से अपनी शेप्स का ले सकते हैं इस तरह। तो यहाँ से आप इसका ये बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, आपने डॉटेड फॉर्म में करना है, जिस फॉर्म में करना है, लाइन में करना है, आप उसी लिहाज से कर सकते हैं। बॉर्डर का वेट वगैरह आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इस तरह जो है आप अपनी जो शेप्स हैं उनको आप इन्हेंस कर सकते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं कि हमने जो अपना जो फीचर है उसका पहला जो पार्ट है उसे कम्प्लीट कर लिया। अब बात आती है कि इनको जो कनेक्टिंग लाइन है उसके साथ किस तरह हमने कनेक्ट कर। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इन शेप्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने दोबारा एलिमेंट्स के ऊपर आना है। अगर आप यहाँ पे प्लांट सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये हमने एक प्लांट ले लिया, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की है। तो यहाँ पे आप एनिमेटेड जो हैं वो भी फीचर देख सकते हैं, यहाँ से हम ये ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो ये डॉल है इसको हमने कनेक्ट करना है जो प्लांट है इसके साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने करना है एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक,
तो आप देख सकते हैं हमने दोबारा शेप्स के ऊपर आना है। जब हम शेप्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कनेक्टिंग लाइंस है वो नज़र आ रही हैं, उनमें से आपने कोई एक ले लेनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको जो हमारी की लाइन है उसके ज़रिए हमने प्लांट को और इस लड़की को इकट्ठे करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से उठा के इसके किसी भी एक एंगल के साथ जोड़ देंगे। तो ये जो है दूसरा हिस्सा, इसको भी प्लांट के किसी एंगल के साथ जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा प्लांट है इस लड़की के साथ हमारा कनेक्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने कनेक्टिंग लाइन के जरिए जो प्लांट है उसको डॉल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हम मूव करते हैं तीसरे फीचर की तरफ, जो कि है वीडियोस एंड स्टिकर्स इन फोल्डर। यानी कि आप जो अपनी वीडियोस हैं, स्टिकर्स हैं, उनको अपने फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। जो कैनवा प्रो के यूज़र हैं वो अनलिमिटेड जो फोल्डर हैं उनको वो दिए जाते हैं, लेकिन जो यूज़र फ्री हैं, फ्री कैनवा यूज़ कर रहे हैं, उनको सिर्फ दो फोल्डर दिए जाते हैं जिनमें वो अपनी स्टिकर और वीडियोस वगैरह सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस का आपको नज़र आ रहा है, जब हम इसको सियाल करेंगे तो यहाँ पे सारी वीडियो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐड टू फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल गया। यानी कि आप जो ये वीडियोस हैं इनको आप अपने जो फोल्डर हैं उनमें सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टिकर्स वगैरह के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको फोल्डर के अंदर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐड टू फोल्डर, यानी कि आप अपने जो फोल्डर है उसके अंदर अपने जो स्टिकर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको आप सेव कर सकते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स अब हम बात करेंगे इसके चौथे फीचर के बारे में। कैनवा ने सब जो यूज़र्स हैं, चाहे वो प्रो यूज़ कर रही हैं या फिर फ्री अपना यूज़ कर रहे हैं कैनवा, उनको उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप जो है अपनी जो वेबसाइट्स के डिज़ाइन है वो कैनवा के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सर्च बार में आके सर्च करना है वेबसाइट्स, ठीक है, आप जो अपना जो डिज़ाइन है वो किस तरह आप लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिल्टर्स में नज़र आ रहा होगा आप स्टाइल कौन सा लेना चाहते हैं, थीम कौन सा लेना चाहते हैं, प्राइस यानी कि उसका प्रो होगा या फ्री होगा, आप यहां से ले सकते हैं। यहां से आप इसके जो कलर्स हैं, कलर स्कीम, वो भी आप यहां से चूज़ कर सकते हैं वेबसाइट के लिए। अभी फिलहाल से मैं क्या करती हूं, इसके ऊपर क्लिक कर देती हूं। अगर हम यहां पे ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसका क्रिएट करना चाहते हैं डिज़ाइन, तो हम जस्ट ई कॉमर्स यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बेशुमार यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है, टेम्पलेट। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी आपने उठा लेना है तो अप्लाई ऑल 6 पेजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो सारा यहाँ पे आ गया है। हम यहाँ से अपनी जो अमेंडमेंट, यहाँ पे कोई चेंज वगैरह, यहाँ पे हमने पिक्चर चेंज करनी है वो हम कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हम जो अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम जो अपनी वेबसाइट है उसका डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी जो वेबसाइट है उसको डेस्कटॉप फ्रेंडली भी देख सकते हैं कि इसके फॉन्ट वगैरह किस तरह आ रहे हैं, इसका लेआउट क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गया डेस्कटॉप व्यू। तो जब आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मोबाइल व्यू भी कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं, यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा फीचर। हाँ जी, तो व्यूवर्स अब हम बात करते हैं इसके पांचवें फीचर के बारे में, जो कि है कैनवा क्रिएटर्स के बारे में। व्हाट आर कैनवा क्रिएटर्स, यानी कि कैनवा क्रिएटर्स कौन होते हैं, जिनके डिज़ाइंस को, जिन लोगों को जो कैनवा है उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, उनके डिज़ाइन वगैरह को उन्होंने पसंद कर लिया हो, तो वे कैनवा क्रिएटर्स होंगे। तो आपने क्या करना है, उनको किस तरह आपने फाइंड करना है, आपने इन डॉट्स के ऊपर आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स ये जो कैनवा क्रिएटर्स हैं उनके क्रिएट किए गए टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें कि हम इंस्टाग्राम स्टोरीज के बनवाना चाहते हैं या फिर इनसे हम कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जब हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हैं ये कैनवा क्रिएटर्स हैं, यानी कि जिनको कैनवा ने एक्सेप्ट किया, इनके डिज़ाइंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया कैनवा पे, ये अपने जो डिज़ाइंस हैं वो क्रिएट करके यहाँ पे सेल कर रही हैं, ठीक है। तो ये कैनवा का एक न्यू फीचर है। तो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आप जो है इसका डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके जो
क्रिएटर है, इस डिज़ाइन का क्रिएटर है, उसके बारे में अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको इस क्रिएटर की प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा। तो ये कैनवा प्रो के फीचर हैं कि यहाँ पे जो कैनवा क्रिएटर्स हैं उनके जो आप डिज़ाइन जो पहले से उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गई कि पाँचवें फीचर के बारे में कि कैनवा क्रिएटर्स होते कौन हैं और उनके डिज़ाइन तक हम किस तरह पहुँच सकते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स इस फीचर को शो करने के लिए हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे जो इसका जो छठा फीचर है वो ये है कि हम जो कैनवा की ऐप है उसको हम डार्कन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कैनवा की ऐप को ओपन कर लेना है। आपको ये मेन्यू का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको शाजी रमज़ान जो कि मेरा अकाउंट है वो नज़र आ रहा होगा। जब आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग के ऊपर, फिर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे योर अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये थीम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अभी हम लाइट थीम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम डार्क के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो थीम होगा वो डार्क हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कैनवा का थीम है वो पहले लाइट था लेकिन अब ये डार्क हो गया। तो इस तरह आप कैनवा का जो डार्क थीम है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स ये जो हैं फीचर्स, जो छह फीचर्स हैं न्यू फीचर कैनवा के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इन फीचर्स की समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने सीखा कि जो कैनवा के न्यू फीचर्स हैं उनको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।